नेक्स्ट जो देख रहे हैं वो है फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है छांटना। बहुत बड़े डेटाबेस में से सेलेक्टेड चीज ही आपको देखनी हो तो वो हम ले सकते हैं फिल्टर से। फिल्टर कैसे लगाया जाता है, उसको कैसे यूज किया जाता है, काफी यूजफुल है एक्सेल में। एक्सेल बेसिक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फिल्टर, क्योंकि बड़े बड़े डेटाबेस में से हमें सेलेक्टेड चीज लेने के लिए हमें फिल्टर लगाना होता है। और फिल्टर कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे हमने हेडिंग पे अपना कर्सर रखा और फिल्टर आपको मिलेगा होम टैब के अंदर, ये फिल्टर के ऑप्शन में आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिल्टर। जैसे ही फिल्टर पे क्लिक करते हैं, देखो आपको सभी हेडिंग पे एक आइकन आ गया है। ये आपको हर हेडिंग के कॉलम पे स्टार्टिंग में दिखेगा। इसका मतलब है आप हर चीज़ पे फिल्टर लगा सकते हैं। किसके अकॉर्डिंग आप फिल्टर करना चाह रहे हैं, आप नेम के अकॉर्डिंग फिल्टर करना चाह रहे हैं, आप डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, डेट ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग करना चाह रहे हैं, तो वो आप सभी तरीके से आप फिल्टर लगा सकते हैं। नॉर्मल जैसे हमें ये चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, हम सिर्फ पर्टिकुलर कोर्स ही देखना चाहते हैं, तो कोर्स पे हम फिल्टर लगा सकते हैं। यहाँ पे हमने इस आइकन पे क्लिक किया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। इसमें सेलेक्ट ऑल हटा देंगे क्योंकि अभी सारे सेलेक्ट हैं, हमें सिर्फ डीटीपी कोर्स का जानकारी चाहिए, तो हम डीटीपी कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। बाकी सब हमने अनटिक कर दिया है, ओके कर देंगे, तो खाली डीटीपी कोर्स की जानकारी मिल रही है कि किसने डीटीपी कोर्स किया हुआ है, कब किया हुआ, उसका मतलब उसकी पूरी डिटेल आपके सामने आ जाती है। बाकी सारी चीजें हाइड हो जाती है, केवल जिस पे हमने फिल्टर लगाया है वही चीज आपको दिख रही है। इसके अलावा फिल्टर आइकन देखिए थोड़ा सा डिफरेंट भी यहाँ पे दिखेगा अदर आइकन से, ये फिल्टर क्योंकि यहाँ पे हमने फिल्टर लगाया है। इसको वापस ओपन करेंगे, सेलेक्ट ऑल करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए वापस शो हो जाएगा। या पर्टिकुलर हमें कोई नेम ही लेना हो या स्कॉलर नंबर लेना हो, कौन सा स्कॉलर नंबर की आपको जानकारी चाहिए वो ले सकते हैं, नेम ले सकते हैं। यहाँ पे सारे नेम एक साथ दिखेंगे आपको, ये देखिए सारे नेम एक साथ दिख रहे हैं, कोर्सेज सारे एक साथ दिख रहे हैं। हमें फिल्टर करना है, सेलेक्ट ऑल हटाया, हमें किसकी जानकारी लेनी है, बस अरेशा और भावना की लेनी है, तो उसको सेलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया, खाली उन दोनों की ही जानकारी दिखाई दे रही और किसी की जानकारी नहीं दिखाई दे रही, सारा हाइड हो जाता है। वापस फिल्टर हमने वापस यहाँ से हटाना है, वापस फिल्टर हटाया, ओके कर दिया। ज्वाइनिंग डेट यहाँ पे दे रखी है, किस किस ने किस किस डेट पे ज्वाइनिंग की है, तो यहाँ पे 2019 सितंबर का ही दे रखा है रिकॉर्ड। आपके रिकॉर्ड में बहुत सारा पूरा डेटा होगा, पूरा ईयर होगा, हर एक स्टूडेंट की जानकारी होगी कि इस स्टूडेंट ने इस ईयर में इस कोर्स के लिए ज्वाइनिंग की है। अभी हमने जो डेटाबेस को तैयार किया उसमें 2019 है। अगर 2019 में आप ये देखना चाहते थे, जैसे इसमें सितंबर है, हो सकता है अलग अलग मंथ हो, तो आप मंथ सेलेक्ट कर लें, मंथ में कौन सी डेट का देखना चाहते हैं, भाई 14 तारीख को किसने ज्वाइनिंग की थी वो हम देखना चाहते हैं, तो 14 तारीख हमने सेलेक्ट करी, बाकी सारे अनटिक हैं, ओके कर दिया, तो खाली 14 तारीख सामने आ गई है ज्वाइनिंग डेट पे, क्योंकि हमने वहीं फिल्टर लगाया है और बाकी सारी डिटेल भी सामने आ गई, भाई क्या नाम है उसका, उसका कोर्स क्या था, उसके फादर नेम, उसका स्कॉलर नंबर, उसके प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स सारे सामने आ जाते हैं। तो इस तरह से हम फिल्टर लगा सकते हैं। इसको सेलेक्ट ऑल कर देंगे वापस, ये सेलेक्ट ऑल कर दिए, ओके कर दिए, वापस हमारा सारा एक साथ डेटा आ जाता है। फिल्टर में कुछ और भी ऑप्शन होते हैं जो हम नेम में या कोर्स में किसी भी टेक्स्ट कंटेंट पे हम जाके देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे टेक्स्ट फिल्टर का ऑप्शन दे रखा है, इसमें कई सारे ऑप्शंस और भी दे रखे हैं। जैसे हमें यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल्स टू का ऑप्शन यूज लेना है। सबसे पहले वन बाय वन हम करके देखते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस जो हैं कई सारे लोग यूज नहीं करते हैं। हमने इक्वल्स टू पे क्लिक किया, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है कस्टम ऑटो फिल्टर में। यहाँ पे आपको जैसे हमने इक्वल्स टू लिया, हमने यहाँ पे लिखा मनोज, तो यहाँ पे केवल मनोज की ही डिटेल आएगी क्योंकि हमें सिर्फ उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की ही जानकारी चाहिए, तो जो आपने फिल्टर में नाम लिखा है उसी की जानकारी आपको दिखेगी। इसके अलावा फिल्टर वापस हटाना हो तो क्लियर फिल्टर फ्रॉम नेम का ऑप्शन से हमने हटा दिया, वापस फिल्टर पे जाएंगे, टेस्ट फिल्टर पे जाएंगे, डज नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल में जो नाम आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा दिनेश, तो दिनेश की जो डिटेल है वो यहाँ से हाइड हो जाएगी, ओके कर दिया, देखिए दिनेश की डिटेल यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो दिनेश की डिटेल जो है वो हाइड हो गई है। 5 के बाद डायरेक्ट 7 आ गया, 6 वाला हाइड कर दिया। तो फिल्टर में हम इस तरह से भी ऑप्शन को यूज ले सकते हैं। वापस सेलेक्ट ऑल करेंगे तो क्लियर फिल्टर कर देते हैं, ये हमने क्लियर फिल्टर कर दिया। इसके अलावा इसमें टेस्ट फिल्टर में आपको दे रखा है बिगिंस विथ, बिगिंस विथ का मतलब होता है जहाँ से वो स्टार्ट होता है, बिगिंस विथ यानी जहाँ से नाम स्टार्ट हो रहा है। भाई जैसे हमें ये देखना है कि पी नाम से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे एक साथ आ जाए, तो हमने पी टाइप कर दिया है, ओके कर दिया, तो जो जो पी नाम से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट थे वो सामने आ गए। तो यहाँ पे हम फिल्टर इस तरह से भी, बिगिंस विथ यानी स्टार्टिंग फर्स्ट कैरेक्टर को ले लिया उसने, क्लियर फिल्टर कर दिया हमने वापस,
उसके बाद वापस फिल्टर में गए, टेस्ट फिल्टर में गए, यहाँ पे दे रखा है एंड विथ, जैसा बिगिन विथ स्टार्टिंग कैरेक्टर वैसे ही एंड विथ यानी लास्ट कैरेक्टर। तो जैसे लास्ट कैरेक्टर हमने यहाँ पे जैसे ए डाल दिया, यानी जो नाम ए पे खत्म हो रहा है वो वाले सारे आपको दिखाई देंगे, बाकी सारे हाइड हो जाएंगे, यानी लास्ट एंड कहाँ हो रहा है उसका। जैसे ए, तो ये ए ए वाले जहाँ पे एंड हो रहे हैं वो सारे एक साथ आ गए। भावना के भी लास्ट में ए है, पुनीता के ए है, सुशीला के ए है, नमीरा के ए है, पूजा के ए है, तो अरेशा के ए, तो ए ए वाले जो लास्ट एंड विथ, तो वो आपको सारे कैरेक्टर एक साथ आ गए। तो ये फिल्टर हम इस तरह से भी यूज़ कर पाते हैं। ये हमने क्लियर फिल्टर कर दिया, वापस वापस सारा डेटा आ गया। उसके बाद यहाँ पे टेस्ट फिल्टर में दे रखा है आपको कंटेन। कंटेन का मतलब है कि देखिए यहाँ पे आपको अगर उस व्यक्ति का कोई सरनेम है तो इस शीट पे नहीं, हम दूसरी शीट पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कुछ सरनेम भी दे रखे हैं, यहाँ पे हम फिल्टर फिर से लगा देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सरनेम की ज़रूरत है, सरनेम हमें चाहिए। टेस्ट फिल्टर में गए, कंटेन में गए, यहाँ पे जैसे हम चाहते हैं कि जो जैन है यानी जिन जिन का सरनेम जैन है वो सारे एक साथ आ जाए, तो हमने जैन लिख दिया, उसका लास्ट नेम लिख दिया। तो देखिए जिन जिन बच्चों का नाम जैन पे ख़त्म था यानी जैन जिनका सरनेम था वो सामने आ गए। ये हमने क्लियर फिल्टर किया वापस। उसके बाद दूसरा एक और ऑप्शन और भी दे रखा है इसमें, डज नॉट कंटेन। जो कंटेन जो हमने दिया है वो जस्ट अपोजिट है डज नॉट कंटेन, यानी जो नाम हम यहाँ लिखेंगे वो वहां से हाइड कर देगा। जैसे हमने यहाँ पे जैन ही लिखा, अब यहाँ पे क्या करेगा, वो जैन को रिमूव कर दिया, यानी जिनका सरनेम जैन था उसको यहाँ से रिमूव कर दिया। रिमूव का मतलब है हाइड कर दिया, लेकिन अगर हम फिल्टर हटाएंगे तो वापस वो आपको शो हो जाएगा, देखिए वापस आ गए। तो इस तरह से हम फिल्टर को यूज कर सकते हैं। एक और इसमें ऑप्शन दे रखा है वो है कस्टम फिल्टर। अभी तक जितने हमने कंटेंट पढ़े हैं वो एंड से यूज किए हैं, लेकिन आप और को भी यूज कर सकते हैं एक के साथ दूसरा। तो कंटेंट कौन सा लेंगे हम, यहाँ पे हम ले लेंगे कंटेंट को, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि जैन भी दिखे और दूसरा जो कंटेंट है वो भी हम कंटेंट ले लेंगे इसमें भी, और इसमें एक और जैसे हमने रिपीट किया है साहू, तो जैन और साहू दोनों रिकॉर्ड में दिख जाए। ओके, तो देखिए नरगी जैन, भावना जैन, ये जैन जैन सामने आ गए हैं, हिमांशु साहू और सुशीला साहू, ये भी सामने, यानी हमने जो कंटेंट में लिखा है वो कंटेंट दोनों सामने आ सकते हैं, यानी एक के साथ दूसरा भी आप लेना चाहते हैं तो भी आप ले सकते हैं। तो ये फिल्टर आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। फिल्टर को हमने क्लियर फिल्टर किया, वापस क्लियर हो गया। और फिल्टर अगर हमें हटाना है तो हम फिल्टर को यहाँ से हटा भी सकते हैं, ये फिल्टर पर क्लिक किया, फिल्टर आइकन वापस रिमूव हो गया। कंट्रोल शिफ्ट टैल इसकी शॉर्ट कमान होती है फिल्टर को यूज़ करने के लिए, और कंट्रोल शिफ्ट टैल वापस प्रेस करेंगे तो रिमूव भी हो जाएगा। तो काफ़ी यूज़फुल चीज़ है फिल्टर, एक्सेल में काफ़ी यूज़ आता है। बेसिक में आपको काफ़ी बार एक्सेल की शीट बनाते समय इस तरह के डेटाबेस में आपको फिल्टर लगाना भी पड़ता है और हटाना भी पड़ता है। अपने डेटाबेस को किस तरह से हमें देखना है, कितना कंटेंट हम देखना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम फिल्टर लगाते हैं।